से ADV बाइक्स के लिए स्पेशली अगर आप लोग देखोगे ना तो डबल टेक का मिरर बहुत लोग यूज़ करते हैं। एंड ये जो है 1.5 पिच लगता है स्पेशली BMW और बाकी सब में। इसमें जो आप लोगों का जो दूसरा है एक 1.25 पिच वाला आता है वो नहीं लगेगा। अभी देखो ये परफेक्टली फिट हो रहा है, तो इस तरीके से दिख रहा है, अच्छे से दिखते हैं आगे भी मिरर। अच्छा वो जो स्टिकर है वो यहाँ पे लगता है। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे हो अभी यहाँ पे जो डबल टिक के मिरर्स हैं मेरी बाइक में लगे हुए हैं। एंड मैंने लद्दाख एंड ज़ंस्कार राइड में काफ़ी बार जो बाइक है अपनी वो ड्रॉप करी, बट उसके बावजूद भी जो मिरर्स हैं वो उस पर कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न वाई वी शुड गो फॉर डबल टिक मिरर इन ऑल द एडवेंचर बाइक्स, जिससे कि आप लोग जो भी मिरर पे एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आएगी आप लोगों की ड्रॉप होने के बाद में बाइक, वो चीज़ आप लोग अवॉइड कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो है फाइनली मेरा जो डबल टेक का मिरर था मैंने ऑर्डर किया था वो मेरे को रिसीव हो चुका है। ऑर्डर मैंने किया था 6KVM से और वहां से मेरे को रिसीव हुआ। अब सीन ये है ऑर्डर करने का कि मेरा जो स्टॉक वाला मिरर है वो टूट चुका है। अब उसको सही कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल टेक का मिरर मैं यूज करने वाला हूँ, क्योंकि जो स्टॉक वाला है एक्सपेंसिव है। एंड अगर आप लोग ऑफ रोड करते हो ना तो बेसिकली डबल टेक का मिरर है वो ज्यादा बेटर रहता है। रैम माउंट रहता है उसके ऊपर, मिरर माउंट रहता है, तो जब भी अगर आपका कभी बाइक ड्रॉप होता है तो देन इट विल बेंड इनसाइड। तो वो एक रीजन है वो मेरा चूज करने का, क्योंकि जो स्टॉक वाला रहता है वो हार्ड रहेगा, वैसे ही कहीं वैसा टूटेगा। एंड जो ऑफ रोडिंग के टाइम पे है वो एडवाइजेबल नहीं रहता है। इवन एक्सपेंसिव भी है तो जितने प्राइस में वो आएगा मिरर उतने प्राइस में मेरे को ये डबल टेक का मिरर उससे कम प्राइस में इवन मिल रहा है। जो BMW का मिरर आता है काफी महंगा आता है, तो वो रीजन है। अभी यहाँ से जो स्टेम अडेप्टर था और जो बॉल अडेप्टर था वो मैंने बाइक एंड बाइकर से ऑर्डर करके यहाँ पे नियर बाई लोकेशन में एक लक्ष्मी बाइक सर्विस है वहां पे मंगवाया है। एंड अभी वहां पे जाके इंस्टॉलेशन करेंगे, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। कमेंट करके जरूर बताना मेरे को कैसा लगेगा। एंड कमेंट करके आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज है मेरे को बेसिकली रीच आउट कर सकते हो। एंड बाकी जो भी रिव्यूज रहेगा वो लेटर ऑन शेयर करते रहूंगा। तो अभी सीन ये है यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, पहुंचते हैं स्टोर पे एंड वहां से जाके इंस्टॉलेशन कराते हैं। तो बाकी आप लोगों को इंस्टाग्राम में स्टोरीज देखने को मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे अगर नहीं फॉलो करते फॉलो कर सकते हो नदी मलवी ब्लॉग्स। एंड जल्दी यहाँ से निकलते हैं। हाँ जी, तो फाइनली वी हैव रीच्ड LBS, यहाँ पे पास में पड़ता है बेल रोड के। तो बेसिकली ये जो सो पार्ट का इसका बात कर रहा था मैं कि बॉल अडेप्टर आता है जो कि रिसीव हुआ है यहाँ से, रैम का ही आता है। और इसका भी सीन ऐसा है कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू करवाएंगे, बाकी भी आप लोगों को एक्सेसरीज दिखा देता हूँ। बॉल अडेप्टर का प्राइस 1000 रुपीज़ आता है। एंड ये जो है 1.5 पिच लगता है स्पेशली BMW और बाकी सब में। इसमें जो आप लोगों का जो दूसरा है एक 1.25 पिच वाला आता है वो नहीं लगेगा। अभी देखो ये परफेक्टली फिट हो रहा है। तो दिस वॉज द इशू जो मैं लास्ट टाइम गया था जब GPS रिमूव करवाने के लिए, तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। अभी यहाँ पे इसको बस ऐसे ही फिट कर देता हूँ, वैसे तो थ्रेड लगा के प्रॉपर से फिट करेंगे इसको। इसको यहाँ से हटा के थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, लेट्स सी। तो अभी यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। एंड आप लोगों को बता देता हूँ एक्सेसरीज में क्या क्या चाहिए। बेसिकली तीन चीज़ों के डबल डबल सेट आएगा। एक ही आप लोगों का की हो गया बेसिकली, जिससे कि जो कि आप लोगों का ये जो रैम माउंट आता है, ये वाले रैम माउंट में जो बाई डिफ़ॉल्ट आता है वो ईजिली रिमूव हो सकता है। बेसिकली जो ये वाला रहता है, अभी खोल के दिखाता हूँ इसको, ये रहता है एक रैम माउंट हो गया। इसका प्राइस आप लोगों को पड़ेगा 2000 रुपीज़ पर पीस, दो मंगाने पड़ेंगे दोनों साइड के मिरर के। ये वाला की है, की वाले का प्राइस आता है 900 रुपीज़ पर पीस, ये इसके दो मंगाएंगे। एंड जो ये है, ये पार्ट है बेसिकली मिरर का, मिरर सबसे महंगा आता है, मिरर का प्राइस है 4100। तो दो दो पीस ऐसे इसके मंगाने पड़ते हैं। एंड जो इंस्टॉलेशन है इस तरीके से होगा, इसमें थ्रेड लगा रहे हो क्या? थ्रेड ओके, दोनों साइड में हो गया ना? ओके, तो डायरेक्टली ये इसके अभी इसके ऊपर लग जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे इसके ऊपर माउंट रैम माउंट लगेगा, देन रैम माउंट के बाद में यहाँ पे मिरर फिट हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो मिरर है वो तो रखा ही रह जाएगा, उसका कुछ यूज़ नहीं है। वैसे ADV बाइक्स के लिए स्पेशली अगर आप लोग देखोगे ना तो डबल टेक का मिरर बहुत लोग यूज़ करते हैं जो भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते हैं, क्योंकि बाइक ड्रॉप होती है, देन इम्पैक्ट विल बी मेजरली ऑन दिस, जो कि बार्क बस्टर का ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रखा है, एक क्रैश बार जो है वंडरलिश का ये, एंड देन उसके बाद में मिरर। तो मिरर बेसिकली ये डबल टेक का रहता है, ये बेंड हो जाता है अंदर की ओर। तो ओवरऑल जो प्राइस आप लोगों को पड़ेगा अराउंड 16,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो ये चार पांच चीज़ें हैं जो आप लोगों को बाई करनी पड़ती हैं, जिससे कि आप लोग जो स्टॉक मिरर हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं, देन आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाला देखो, ये यहाँ से हटा के इसको सिंपली ये की लग जाता है यहाँ पे। एंड की से क्या होएगा कि आप लोगों का जो रैम माउंट है और जो भी बेसिकली जो आप लोगों का जो मिरर माउंटेड होता है वो ईजिली निकलता नहीं है। तो ये चीज़ एक एडवांटेज रहता है, क्योंकि अरे यार लोल,
थोड़ा सा ऐसे साइड में करके लगाओ ना। हाँ ओके, बहुत क्विक इंस्टॉलेशन है, हार्डली बस अडेप्टर का ही काम था, ज़्यादा टाइम नहीं था, 15 मिनट्स में इंस्टॉलेशन हो जाता है आप लोगों को। एंड ये जो पार्ट है ये आप लोग बाद में यूज़ कर सकते हो अगर किसी में भी है, तो ये वाला जो लॉक है इसको आप लोग रीयूज़ कर सकते हो किसी में। हाँ बैग में। ओके ये हो गया रैम माउंट, एक और एंड मिरर। ये वाला जो है बीच वाला जो पार्ट रहता है ये मेटल का रहता है, सस्पेंशन सा स्प्रिंग से लगा हुआ है। दूसरे वाले का भी ये निकालना है ना, इसको निकाल के रख लेते हैं, बाद में कभी काम आएगा तो आएगा। इसका बोल्ट देखना, जो की रहती है इस तरीके से रहती है बेसिकली आप लोगों के पास में, ये जो ऊपर वाला है इसको एक बार निकालना, ऊपर जो की है उसको। हाँ तो ये इस तरीके से दिखेगा आप लोगों, यूनिक रहता है, मतलब आप किसी के पास में अगर ये की नहीं है तो उसको निकाल नहीं सकते, तो वैसे प्लायर से हो जाता है, बट एनी वेज मतलब जस्ट कि थोड़ा सा एडवांस हो जाता है सिक्योरिटी सिस्टम। ये क्या स्टिकर है क्या? तो दूसरा वाला भी था? अच्छा देते ना, कहीं तो लगा ही दूंगा। तो बैठ के इसका फिटिंग देखते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली मेरे को सही मैच खा रहा है व्यू, जहाँ से बेस्ट आएगा। थोड़ा सा इसको इधर करना रहेगा, एक मिनट। ये वाला भी इधर पे भी थोड़ा सा, ये वाला भी अभी परफेक्ट है, फिट कर दो, दोनों बराबर ही है ना। थोड़ा सा क्लॉथ है क्या इसको साफ करना? दोनों के लिए सेम ही की यूज हो जाएगा? दोनों के अलग अलग है, की दोनों का अलग है। अच्छा बट ये बाहर से तो एक ही जैसा दिखता है वो। अच्छा ये बट ऐसा क्यों, अलग अलग क्यों? हाँ अच्छा, लेफ्ट एंड राइट का मिरर का अलग अलग बनता है। तो ये वाला अलग है, इसमें कहाँ से लिए है, ऐसा मिल जाएगा और एक ही मिल जाएगा। ओके ये वाला है, मैं इसको इधर पे लगा दूंगा, इसको नहीं। एक काम करो ना, इसको ये वाले की को इधर लगा दो। ओके ये दोनों एक जैसा दिखेगा, ये से नहीं होगा। नहीं वो हो जाता है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लूंगा बाद में। ठीक है तो इस तरीके से अभी इंस्टॉल हो चुका है एंड अभी देखो बेटर है। अगर कभी भी गिरता है तो ऑटोमेटिकली अंदर की ओर प्रेस हो जाएगा, तो ये चीज़ एक अच्छी रहती है। बट इसमें कभी भी मतलब ये ब्रेक नहीं होएगा ना? नहीं ब्रेक नहीं होएगा। वो चीज़ अच्छा है, कभी भी इम्पैक्ट आएगा इट विल बेंड इनसाइड, तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी अपना जो GoPro का माउंट है इसको यहीं पे लगे रहने देंगे या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर प्लेस है। ओके
हाँ इसको फेंक दो, इसको क्या करूँगा। ठीक है तो इस तरीके से है। बाकी बाइक तो गंदी है, कुछ नहीं कर सकते। वॉश कराऊंगा दोबारा से, बारिश हो जाएगी, पता है मेरे को, इसलिए कराना ही नहीं अभी। तो देखो इस तरीके से दिख रहा है, अच्छे से दिखते हैं आगे भी मिरर। अच्छा वो जो स्टिकर है वो यहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे जो आप लोगों का स्टिकर है वो लग जाएगा। ओके तो ये वाला जो है रॉकस्टार, बेसिकली ये मेरे को काम आएगा SW मोटेक का जो मेरे पास में लगे सिस्टम है उसको टाई करने के लिए। अभी तो वैसे राजेश भाई ने दे दिया था मेरे को, बट मेरे को हमेशा के लिए चाहिए रहेगा क्योंकि लगे सिस्टम हमेशा सेम ही रहने वाला है। इसका प्राइस है 2300 रुपीज़। इसको बाई करते हैं एंड जो अभी हेलमेट लेने जा रहा हूँ बेसिकली उसमें भी काम आ जाएगा, मेरे पीछे टाई हो जाएगा आराम से। तो अपनी फाइनली इंस्टॉलेशन हो चुकी है। जो प्राइस था आप लोगों को मैंने आप लोग ऑलरेडी बता दिया। अगर बाकी और भी कुछ क्वेरीज है यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम नदीमल ब्लॉग्स, जो कि अभी आप लोगों को नीचे आ रहा है। एंड बाकी देखते हैं आगे रिव्यू कैसा रहता है, मतलब मैं बेसिकली यूज़ करके आप लोगों को बताऊँगा कैसा है। कोई भी अगर क्वेश्चन है आप लोग कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। टिल देन आज का ब्लॉग करते हैं यही एंड। टेक केयर, बाय बाय।